गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं हूँ मलाड स्टेशन पर और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मलाड का स्टेशन। तो गाइज अगर आप मलाड आते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए, दिखाने के लिए, तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ पर कुछ दो तीन चीज़ें जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ का जो BMC मार्केट है वो कहा जाता है कि मुंबई का जो क्लोथ्स का जो सबसे चीफेस्ट मार्केट है वो है यहाँ का BMC मार्केट। और यहाँ पर एक ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है जैसे कि नटराज मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर मुंबई का सबसे बड़ा फिश मार्केट भी है, वो भी आप इस वीडियो में देखने वाले हो। और इसके साथ ये जो मलाड स्टेशन है ये बहुत बड़ा स्टेशन है, तो यहाँ पर बहुत सारी ज़्यादा कनेक्टिविटी भी है। और फिर अगर आप मडमारवे जाना चाहते हो या अक्सा बीच की तरफ जाना चाहते हो तब भी आपको मलाड स्टेशन पर उतरना है और यहाँ से आपको बस या रिक्शा के जरिए आप अक्सा बीच और मड आइलैंड वगैरह जा सकते हो। और गाइस यहाँ पर सबसे फेमस है MM की लस्सी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अगर आप मलाड में आते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को ट्राई करें क्योंकि ये यहाँ का बहुत ही फेमस लस्सी है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ मार्केट की तरफ। बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है और मैं आपको दिखा, ये देख सकते हैं मेरे सामने आप भीड़। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ से इस जगह से मार्केट जो है शुरू हो जाती है। तो अब मैं आ चुका हूँ यहाँ का जो फेमस हनुमान मंदिर है वहाँ तरफ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है मलाड का स्टेशन। और अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ यहाँ की जो फेमस क्लोथ मार्केट है, BMC मार्केट जिसको कहा जाता है। सर आपका YouTube चैनल है? यस सर। तो आपका ID बता दो ना सर, आपको इनको सब्सक्राइब कर लेना, इनका वीडियो शेयर कर लेना। थैंक यू ब्रो, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा तो यहाँ पर एक दोस्त मिला था जिसने आपने मेरे चैनल का नाम पूछा और उसने आपका चैनल को सब्सक्राइब किया। ये है गाइस मलाड वेस्ट, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर। और अब यहाँ से जो मेरे पीछे देखते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है मुंबई का BMC मलाड वेस्ट का BMC मार्केट। चलो अंदर की तरफ आपको ले जा सकते हैं और यहीं से तुरंत मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। भाई मैं अभी हूँ एक दुकान का नाम क्या बोले भाई? हेलो सिस्टर। और नाम क्या बोले? सलमान भाई। सलमान भाई की दुकान है। और आप यहाँ पर सलमान भाई? हाँ, सलमान भाई ऑनर है ना। 12:30 आते हैं, साढ़े हाँ जल्दी आने का बोले तो भी आते हो क्या? तो ये यूट्यूब पे जाना चाहिए। सलमान भाई जो है ना इस दुकान के, इस मार्केट के ऑनर है, पूरा मार्केट उनके अंडर में है। 1:30-12:30 आते हैं और रोज नई नई फिटिंग भी देते हैं, जल्दी आने होता नहीं उनको। और सलमान भाई ये अपने, ये देखो जो बैठे हैं सलमान भाई, ये सलमान भाई है। और ये उन्हीं की दुकान, इन्हीं की दुकान है ना, पूरा मार्केट ही उन्हीं का है भाई, पूरा मार्केट इन्हीं का है। अच्छा तो भाई ये थे कुछ दोस्त अपने जो अपना दुकान दिखा रहे थे मेरे को। तो अगर आप इस तरफ आते हैं तो जरूर इस दुकान को विजिट करें। सलमान भाई की दुकान है और दुकान का नाम है हेलो सिस्टर। हाँ तो इस दुकान को जरूर विजिट करें गाइस।
सब साड़ी है ना भाई? क्या रेट, क्या रेट से स्टार्ट होती है? 500 रुपये स्टार्ट होती है। और कितने तक रहती है? 500 से लेकर 35,000 तक। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मार्केट में आपको सस्ते से सस्ती और महंगे से महंगी, कितना बोले, 35,000 तक की साड़ी इस मार्केट में मिलती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है। मुंबई में शायद इस टाइप के आप मार्केट, मुंबई में शायद आपने इस टाइप की मार्केट देखी हो। करीब 10 मिनट से मार्केट के अंदर घूम रहा हूँ, मगर मार्केट ख़त्म नहीं हो रही है। लोग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ के भाई। ₹600 स्टार्ट होती है, सस्ती से सस्ती। और अगर महंगी से महंगी लेने जाएंगे तो महंगी मिलेगी आपको 8-9 हज़ार, 8-9 हज़ार रुपये तक। और महंगा है, महंगा बेटा, 2,000 से स्टार्ट है। दोस्तों अभी एक गली से मैंने स्टार्ट किया और दूसरे गली तक आने में मुझे करीब 7 से 8 मिनट लगता मेरे को यहाँ पर लग गए। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त मार्केट है, आपको एक बार इस मार्केट को जरूर विजिट करना चाहिए। और ये है मार्केट की दूसरी साइड, जिस तरफ से मैं आ रहा हूँ। अभी मुंबई में गणपति का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मार्केट में कस्टमर आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे सामने देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। तो तरह से गाइस ये एक लेडीज़ मार्केट है, हालांकि जेंट्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे सामान है, मगर ज़्यादातर तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का एक और मार्केट है जो कि मुंबई का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है, उसमें मैं आपको लिए चलता हूँ। तो गाइस जी नटराज मार्केट का एंट्रेंस, मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। गाइस खासकर इस मार्केट में जो है ज्वेलरी का बहुत बड़ा मार्केट है, और हालांकि क्लॉथ्स वगैरह भी यहां पर बड़ी मात्रा में है, मगर इस नटराज मार्केट है वो ज़्यादातर पहचानी जाती है। और यहां के जो इस टाइप के ज्वेलर्स है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ज्वेलर्स है, इसके लिए इस मार्केट को ज़्यादा पहचाना जाता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा फ्रूट मार्केट भी है, अंडा बटेटा और क्लोज मार्केट भी है। हेलो, बंद है क्या इधर? अरे फिश मार्केट ना, फिश मार्केट ना, वहाँ से रास्ता
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के फिश मार्केट, बने रहिए वीडियो के साथ। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का फिश मार्केट, जो कि मुंबई में सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ का फिश मार्केट। इस टाइप का ये एक होलसेल मार्केट है जो यहाँ से पूरी मुंबई की तरफ माल सप्लाई होता है। जो मुंबई में पूरे छोटे छोटे मार्केट है वो यहाँ से ये लोग माल बेचते हैं। और मैंने सुना है कि यहाँ पर जो मुंबई का माल है वो मुंबई से बाहर का माल इधर आता है ना, मुंबई से बाहर भी इधर माल आता है, तो यहाँ से पूरी मुंबई में बिकता है ना, पूरी मुंबई में मिलता है। तो इस टाइप का माहौल है यहाँ पर कि पूरी मुंबई की तरफ से माल आता है। तो एक तरह से होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पर दो भाई मिले, उन्होंने कहा कि आप हम लोग हमारा भी वीडियो बनाओ और हमारे भी शॉप दिखाओ। क्या नाम बोले भाई, नाम क्या बोले? विनोद ना, विनय। अच्छा, विनय भाई के नाम है, विनय भाई इनका। दो तीन दिन के बाद, और अगर आप मलाड मार्केट फिश मार्केट में आते हो तो विनय भाई की शॉप को जरूर विजिट करें, क्योंकि ये लोग होलसेल भाव में यहाँ पर इनका बेचते हैं। काय भाव आहे ताई, काय भाव आहे फिश? 2500 ला किती? 6। आणि कोणती मासा आहे? अच्छा, हे कसं दिले, ह्याचा काय भाव आहे? 1200 ला 2। म्हणजे ते इथे होलसेल भाव मध्ये असतात, होलसेल भाव मध्ये असतात ना। मार्केट काय नाव आहे? मार्केट का हेड। अच्छा, तो गाइस अभी इस टाइम पे भी मैं दूसरी जगह में देखा तो इतनी भीड़ नहीं थी, मगर यहाँ पर बहुत सारे फिशरमैन जो यहाँ पर आपको फिश देखते हुए मिल जाएंगे। बताइए काय कोणते मासा आहे? बांगडा है ना। बॉम्बिल 100 ची किती? अच्छा, बरोबर। भाई केकड़ा 500 का कितना? 1 दर्जन है ना वो। और ये होलसेल भाव में रहता है, जैसे कि दूसरे मार्केट से यहाँ पे लोग लेके जाकर उधर बेचते हैं ना। तो गाइस ये आप देख रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप की फिशेस है यहाँ पर। केकड़ा है, वो कौन सा मछली भाई? वो वाला रानी। कौन सा नाम क्या है उसका? रानी ना, रानी फिश आप देख रहे हैं। और ये भी 100 रुपये का शायद 1 दर्जन है वो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये भी है। एक बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर फिश का। भाई ये कौन सा फिश है? हाँ भाई, ये कौन सा फिश है? बड़ा। और क्या भाव करता है ये? 100 का, 500 का, 300 का। कुपा। और क्या क्या भाव का, एक क्या भाव देते हैं? हाँ, कितने में आता है एक? एक का कितना? 100-150 रुपये। वजन के हिसाब से रहता है, ऐसे ही देते हैं ना। तो भाई ये देख सकते हैं, कुपा फिश है। और ये कौन सा है? कौन सा? काला। 50 रुपये कितना? 50 का मान। कितना है वो? 1 दर्जन है ना? एक दर्जन 24 पीस है भाई। 24 पीस है। अच्छा, कौन सा पीस है ये? पाकट। और क्या भाव से रहता है ये? 1000 का है। 1000 रुपये का एक। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि 1000 रुपये की एक फिश, और काफी सस्ते भाव में आपको इस जगह पर मिल जाएगी फिशेस। बताना पड़ता है ना, पब्लिक आती है देख के। फोटो निकाल लो। हाँ, 600 रुपये का एक किलो ना।
तो गाइस ये थी मलाड के फिश मार्केट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया एक मुंबई की बहुत बड़ी क्लोथ मार्केट थी, और फिर एक ज्वेलरी मार्केट थी, नटराज मार्केट थी, वो सब मैंने आपको दिखाया। वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।